अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस महानूर। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। आज हम इस टॉपिक में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और वो क्या काम करती हैं। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। हम इस चैप्टर में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसमें सीखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिफाइन इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को डिफाइन करें, बयान करें कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। आंसर है हमारा, इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस है वो इस्तेमाल होती है डाटा को एंटर करने के लिए, किसमें? कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड, इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है टू एंटर डाटा, डाटा को एंटर करने के लिए, इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में। एग्जांपल्स इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं हमारी? कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन एंड एक्सेट्रा। हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, कैमरा एंड माइक्रोफोन। इनपुट डिवाइस क्या काम करती है? इनपुट डिवाइस डाटा इस्तेमाल होती है डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में। वो कौन कौन सी डिवाइसेज हैं? कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन एंड एट्सेट्रा। अब हम चलेंगे अपनी वन बाय वन इनपुट डिवाइसेज पे कि इनपुट डिवाइसेज क्या काम करती हैं। फर्स्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है और वो क्या काम करती है? अ कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड है वो एक अहम इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होती है फॉर एंटरिंग लेटर, लेटर को एंटर करने के लिए, नंबर्स, नंबर्स को एंटर करने के लिए एंड सिंबल्स, और सिंबल्स को एंटर करने के लिए, इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में। किस लिए इस्तेमाल होता है हमारा कीबोर्ड? डाटा को एंटर करने के लिए। यानी उस डाटा में क्या हो सकता है हमारा? लेटर, नंबर, सिंबल्स। इनपुट डिवाइस हमारी इस्तेमाल होती है टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, या हम उसके थ्रू कोई डाटा एंटर कर सकते हैं अपना टेक्स्ट राइटिंग में। वो कि क्या क्या हो सकता है? लेटर्स, सिंबल्स एंड नंबर्स। वट एवर यू टाइप ऑन अ कीबोर्ड, आप कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं, इट इज़ शो ऑन द मोनीटर, वो मोनीटर पे शो होता है। जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है। कीबोर्ड हमारा क्या काम करता है? टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट में क्या क्या होता है हमारा? लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स। हम कुछ भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से, वो हमारा मॉनिटर पे नज़र आता है। अब हम बात करेंगे अपने माउस के बारे में कि माउस क्या है। यू कैन मूव द पॉइंट ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द माउस। यू कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द माउस। कि हम जो भी मूव करते हैं स्क्रीन पे माउस के थ्रू, हम अपने पॉइंटर को मूव करते हैं स्क्रीन पे किसके थ्रू? माउस के थ्रू। क्या करता है हमारा माउस? पॉइंटर को पॉइंट करता है, यानी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू? माउस के थ्रू। हमारा माउस इस्तेमाल होता है पॉइंटर, कर्सर, जो भी आप कहेंगे, एरो होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। द पॉइंटर इज आल्सो कॉल्ड अ कर्सर। जो पॉइंटर है उसे कर्सर भी कहा जाता है। क्या करता है हमारा माउस? माउस हमारे पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो पॉइंटर है उसको क्या कहते हैं? कर्सर। अ माउस गिव इनपुट, जो माउस है वो इनपुट देता है व्हेन यू क्लिक इट, जब हम इसे क्लिक करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने कैमरा की कि कैमरा क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैमरास। कैमरा की दो इकसाम है, कौन कौन सी? डिजिटल कैमरा एंड वेब कैम्स। कैमरा की दो टाइप है, कौन सी? डिजिटल कैमरा एंड वेब कैम। अब ये डिजिटल कैम कौन सा है और वेब कैम कौन सा है, अब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा।
डिजिटल कैमरा मेक फोटोग्राफ एंड मूवीज दैट कैन बी सेंड टू द कंप्यूटर। जो डिजिटल कैमरा है वो तस्वीर लेने और मूवी बनाने के काम आती है, और उसको हम कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं। जो डिजिटल कैमरा है उससे हम पिक्चर्स लेते हैं एंड वीडियोस बनाते हैं, देन हम उसको कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं। अ वेब कैम टेक इमेज एंड ट्रांसफर देम टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। जो वेब कैम है वो पिक्चर बनाती है, पिक्चर लेती है और कंप्यूटर को सेंड करती है, कौन सी फॉर्म में? वीडियो की फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला होता है तो आप सबसे पहले इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुने अच्छी तरह, इसको समझें, और अगर कुछ समझ नहीं आती या इसके मुतालिक कोई सवाल है आपका तो आप सवाल ज़रूर पूछें, आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। इस लेक्चर को अच्छे से समझें। इस लेक्चर के हवाले से आपको एक क्विज़ मिलेगा, क्विज़ की टाइमिंग सुबह 9 बजे की है नेक्स्ट डे, तो आप इसको समझेंगे देन आप क्विज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, और वो क्विज़ आपने लाजमी सॉल्व करना है। थैंक यू।